डंपर है जो कोल या कोल ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है, या तो हम ओबी रिमूवल के लिए इस डंपर का इस्तेमाल करते हैं। ये अलग अलग कैपेसिटी के डंपर आते हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर आप तय करते हैं कि डंपर का कैपेसिटी आपके माइंड के लिए क्या रहेगा। अभी ये जो डंपर आप देख रहे हैं ये 60 टनर डंपर है, इसका कैपेसिटी 60 टन का है। आज हम इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे। डंपर के जो सेफ्टी फीचर्स है उसमें प्रमुख सेफ्टी फीचर्स है ब्रेक्स। हम आपको 13 सेफ्टी फीचर्स बताएंगे जो कि आप लोग के लिए काम आएंगे। ब्रेक्स, ब्रेक्स स्पीड कंट्रोल के लिए ब्रेक्स इस्तेमाल करते हैं। आप कार चलाते हैं, कार में आप दो टाइप के ब्रेक देखे होंगे, एक जो पैर से हम लगाते हैं उसको बोलते हैं सर्विस ब्रेक, टेक्निकल नेम उसका है, लोग जनरल बोल देते हैं फुट ब्रेक। फुट ब्रेक वर्ड नहीं है, सर्विस ब्रेक। डंपर में भी सर्विस ब्रेक होता है, इसमें पार्किंग ब्रेक होता है। देखिए अभी डंपर क्या है, खड़ा है, तो खड़ा रखने के लिए, पार्किंग में खड़ा रखने के लिए पार्किंग ब्रेक रहता है। ये जो बॉडी देख रहे आप पीछे जिसमें मटेरियल भरा रहता है उसको जनरल भाषा में डाला बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको बॉडी बोलते हैं। उस बॉडी को जब हम रेस्ट करेंगे माल अनलोड करने के लिए तब हम डंप ब्रेक लगाते। तो ब्रेक कितने टाइप के हो गए, आपका सर्विस ब्रेक, डंप ब्रेक और पार्किंग ब्रेक। एक और टाइप का ब्रेक होता है जिसको आप ब्रेक बोल सकते हैं, एक रिटार्डर ब्रेक होता है जो स्पीड को विशेष परिस्थितियों में कम करने के लिए काम आता है। और थोड़ा इधर पास में आइए, ये क्या है, ये लेडर। ये भी एक लेडर जो है गुड कंडीशन में होना चाहिए, ऑपरेटर मेरा यहाँ से चल के वहां जाएगा। यहाँ देखिएगा यहाँ तीन आपको स्विच दिख रहा है, यहाँ तीन स्विच है, एक जो है इनके ऊपर लिखा रहता, अभी ये थोड़ा गंदा इसलिए दिख रहा होगा। एक जो है ले, देखिए हम अभी आपको जला के बता रहे हैं, अभी दिन में नहीं दिख रहा। एक है ये लेडर लाइट के लिए है, ठीक है, एक लेडर लाइट के लिए रहेगा, एक रहेगा कि यदि आपका इंजन को हमको नीचे से ही बंद करना है, ऊपर बिना जाए और इंजन चालू है, कोई प्रॉब्लम हो गया है तो हम यहाँ से इंजन को भी बंद कर सकते हैं, ठीक है। और वो मिरर दिखाइए, वो जो मिरर दिख रहा है उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट मिरर। दो है, एक उस तरफ है और एक इस तरफ रहता है जो अभी मेंटेनेंस के लिए निकाला हुआ। उस मिरर से इस तरफ का दिखेगा और इस मिरर से उस तरफ का ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ ऊपर में, यदि ऑपरेटर बैठा उसको नहीं दिखेगा, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ ऑपरेटर वहां से बैठ के उस मिरर के माध्यम से मुझे यहाँ देख लेगा। ये वाला मिरर इधर भी लगा रहता है जो कि अभी नहीं है, उस तरफ का देख लेगा, ठीक है। और इधर देखिए ये प्रॉक्सिमेट वार्निंग डिवाइस है। क्या है, प्रॉक्सिमेट वार्निंग, प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस है। यदि डंपर के एक सर्टेन डिस्टेंस में कोई इंसान है, कोई मशीन है या कोई जानवर है तो ये जो है वहां डैशबोर्ड में डिस्प्ले करेगा और गाड़ी को आगे पीछे होने से रोकेगा। इसको प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। और थोड़ा पीछे हुई देखिएगा, ऊपर में दिखाई, देखिए बड़ा बड़ा सिलेंडर दिख रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर का वो ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम है, जिसको शॉर्ट में AFDSS ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम है। वो ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम क्या होता है, जो प्रोबेबल पार्ट्स है जिनमें फायर हो सकता है, जो हीट हो सकता है, उन पार्ट्स के पास हम सेंसर लगा देते हैं। सेंसर के सर्किट से कंट्रोलर में आता है और कंट्रोलर जुड़ा होता है आपका इस फायर एक्सटिंग्विशर के सिलेंडर से। तो यदि कोई पार्ट्स ओवर हीटेड होता है तो सेंसर उसको सेंस करेगा और सिग्नल भेजेगा कंट्रोलर को, कंट्रोलर सिग्नल भेजेगा आपका ये जो ऊपर में रेड कलर का सिलेंडर दिख रहा है फायर एक्सटिंग्विशर है, उस फायर एक्सटिंग्विशर को भेजेगा और फायर एक्सटिंग्विशर जो है ऑपरेट हो जाएगा और आपका आग अपने आप बुझ जाएगा। लेकिन और देखिए, मान लो कोई कारण से आपका ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम काम नहीं किया तो क्या होगा, तो आप फेल हो जाएगा। इसी के लिए यहाँ पर एक और सिस्टम दिया है कि यदि वो काम नहीं करेगा तो आप इसको मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। किसको, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम को आप मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं यदि वो ऑटोमेटिकली काम नहीं किया तो। इसको खींचते और इसको पुश कर देते, इसको खींच के इसको पुश कर देंगे
तो आपका जो ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम का जो फायर एक्सटिंग्विशर में एक्सटिंग्विशिंग एजेंट है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डंपर में फायर पोर्टेबल हाथ से हम उठा के रख सके, हैंडल कर सके, वो वाला पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर भी रहता है, ठीक है। और केबिन में आपका गाड़ी को चलाने के लिए क्या चीज, स्टीयरिंग, स्टीयरिंग अरेंजमेंट होगा, वो भी सेफ्टी फीचर्स है। इसके अलावा एक इमरजेंसी स्टीयरिंग अरेंजमेंट होता है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है, मान लो हम ऐसे ग्रेडियंट में ऊपर चढ़ रहे थे और मेरा डंपर बंद हो गया, डंपर बंद हो गया तो क्या होगा, ये हाइड्रोलिक सिस्टम है, एकदम लुढ़क के पीछे चले जाएगा आपका, और चले जाएगा तो क्या होगा, कहीं खाई में जाके डंपर गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। उससे बचने के लिए इमरजेंसी स्टीयरिंग अरेंजमेंट है जो 30 सेकंड के लिए काम करता है, जैसे आप उसको पोश कीजिएगा तो आप डंपर को मोड़ सकते हैं, जैसे मोड़ दीजिएगा तो क्या हो गया, जब सीधा नहीं रह के मुड़ गया तो ब्रेक लग गया अपने आप और डंपर क्या हो जाएगा, आगे पीछे मतलब पीछे रोल डाउन होने से बच जाएगा। स्ट्रिंग भी हो गया, और आइए पीछे देखते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ एकदम यहाँ पॉइंट कीजिए, देखिए ये रियर व्यू कैमरा है, ये क्या है, रियर, रियर मतलब पीछे, व्यू मतलब देखना, रियर व्यू कैमरा, ऑपरेटर सीट पे बैठे बैठे गाड़ी के पीछे का इमेज को देख सकते हैं, गाड़ी के पीछे कोई आदमी है, जानवर है या कोई और गाड़ी है उसको देख सकते हैं, रियर व्यू कैमरा है। और ये वाला जो हम हाथ दिखा रहे हैं ये है एवीए, एवीए जो गाड़ी को रिवर्स करेंगे तो ये चुन 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 बजने लगता है, ऑडियो विजुअल अलार्म, तो ये इसमें से ऑडियो इसमें से निकलेगा, ठीक है, ऑडियो उसमें से निकलेगा, विजुअल के लिए दो, देखिए दो यहाँ गंदा दिख रहा है, ये दोनों जलेगा, ऐसा भाग भूक जलेगा, ब्लिंकिंग करेगा, ऑडियो विजुअल अलार्म हो गया, रियर व्यू कैमरा हो गया, ठीक है। और एक दो चीज और बताते हैं इसका, देखिए वो क्या है, देखिए ऑपरेटर केबिन है, ऑपरेटर केबिन के ऊपर देखिए जो आपका बॉडी है डंपर का बॉडी वो प्रोजेक्टेड है, प्रोजेक्टेड क्यों, केरोपी का काम करेगा ताकि ऑपरेटर वहां पर सेफ रह सके, ये मोटा मोटी आपके सेफ्टी फीचर्स है डंपर के।